तो चलिए आइए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फनविद फिजिक्स में। तो बेटा, आज वाली जो हमारी वीडियो रहने वाली है ना, आज हम लोग बात करने वाले हैं केसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर की। अगर आपको याद हो और अगर आप पिछले वाली वीडियो देखकर आए हो, तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको केसेस ऑफ कनकेव मिरर पढ़ाया था। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, सबसे पहले क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर करके इमेजेस कहाँ बनती है, कैसी बनती है, क्या नेचर होता है, उल्टी बनती है, सीधी बनती है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। और इन सारे के सारे केसेस को एक डायग्राम में मैंने जनरलाइज कर दिया था, और साथ साथ एक टेबल भी मैंने जनरेट करी थी कि नहीं करी थी कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ है, नेचर ऐसा है, इस तरह से बताया था ना। उसके बाद अगर तुम्हें याद हो तो यूवी कर्व बताया था, 1/U और 1/V कर्व बताया था, और बहुत जबरदस्त जबरदस्त लेवल के हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे। बेटा आज की वीडियो का भी प्लॉट बिल्कुल वैसा ही चलने वाला है। आज भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कन्वेक्स मिरर के केसेस क्या होते हैं, है ना, कहीं पर ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहां बनेगी, कहीं रखें तो क्या बनेगी, है ना। फिर एक टेबल हम लोग जनरेट कर लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, उस डायग्राम में सारे के सारे केसेस एक ही डायग्राम में मैं दिखा दूंगा। फिर हम यूवी कर्व पढ़ लेंगे, फिर हम 1/U और 1/V कर्व पढ़ लेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और आज की चर्चा हो जाएगी समाप्त। मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम? तो भाई साहब बहुत बढ़िया ढंग से कॉपी और पेन लेके बैठना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, समझाने की गारंटी मेरी है, पर भाई साहब नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, अच्छे नोट्स बनाने हैं भाई साहब। जे एडवांस लेवल तक उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो से उठा के, एकदम टेंशन मत ले एकदम, ठीक है। आ जाओ देखो जरा सुनो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, केसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और बेटा पिछली वीडियो की तरह काम करने के लिए मेरे पास सिर्फ आधा ही बोर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि आधे बोर्ड पर हमें कुछ करना है। क्या करना है ये तुम जानते हो अगर पिछले वाली वीडियो देखकर आए हो तो, और नहीं देखकर आए हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक हमेशा ही रहता है, तो जाकर देखकर आ जाओ, मजा आ जाएगा, है ना। देखो आ जाओ सुनो, तो यहाँ पर ये आधा बोर्ड मेरे पास बचा और ये आधा बोर्ड में हम लोग कुछ बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, देखो ये बनाने वाले हैं, याद है ना पिछले वाली वीडियो में ऐसे बनाया था। मान लो अपने पास ये क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है, अच्छा जी कन्वेक्स मिरर, और ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा कन्वेक्स मिरर है मतलब देख गोला इस तरफ पूरे होने वाला है ना, गोला इस तरफ पूरे होने वाला है, तो मतलब गोले का सेंटर इस तरफ है कि नहीं यार, तुम्हारा फोकस भी इस तरफ होगा है कि नहीं, तो भाई फोकस है इस तरफ और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना वो भी है इसी तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2fb बोल दिया जाता है, याद है कि नहीं याद है, नॉर्मल सी बात है ना। और इसको बोला जाता है पोल, क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता जाऊंगा एंड देन मैं इमेज बताता जाऊंगा कि कहां कहां पर बनेगी और कैसी बनेगी, यही चर्चा है बस आज की, है ना। देखो सुनो आ जाओ, तो यहां पर मैं टेबल बनाने वाला हूं। मैंने कहा चलो यहां पर अपन क्या प्लॉट कर देंगे, यहां पर अपन ऑब्जेक्ट प्लॉट कर देंगे, भाई ऑब्जेक्ट अपना कैसा बनने वाला है, ठीक है, और यहां पर अपन प्लॉट कर देंगे कि इमेज कैसे बनने वाली है, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उसका नेचर कैसा रहने वाला है, कि उसका नेचर कैसा रहने वाला है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे आज, भाई बहुत बढ़िया, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, सुनो सन्नाटा देखो। अच्छा भाई तो ये अपन ने बिल्कुल बना के तैयार कर लिया। अब सुनो सबसे पहला केस क्या हो सकता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट भैया इस तरफ माइनस इंफिनिटी में रखा हो, है ना, भाई जिस तरफ जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट से निकलकर जो मिरर के ऊपर पड़ती है वो काम की रे होती है ना। साइन कन्वेंशन बता रखा है कि नहीं बता रखा है, नहीं देखकर आयो तो उसका भी लिंक दे दूंगा, लो ऊपर देखकर आ जाना। साइन कन्वेंशन इतना जबरदस्त साइन कन्वेंशन बताया है, पूरे यूट्यूब पर भाई साहब नहीं मिल सकता वैसा साइन कन्वेंशन, गारंटी है मेरी। अरे हाँ ना बोल, यहाँ पर दे दूंगा लिंक, ऊपर दे दिया ना, देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नीचे लिंक, भाई साहब देखकर आना बहुत मजा आएगा तुम्हें। तो क्या था साइन कन्वेंशन, कि जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो भाई साहब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अच्छा भाई तो मैंने बोला मान लो मेरा ऑब्जेक्ट पहले कहीं माइनस इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, बोला भाई बहुत बढ़िया बात समझ आ गई मेरे को, आ जाओ सुनो। देखो तो केस फर्स्ट की बात करते हैं, देखो सुनो, केस फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इमेज देखते हैं कहां पर बनेगी, ठीक है आ जाओ सुनो। तो भैया जो मिरर फॉर्मूला होता है वो ये कहता है क्या, कि 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, और कन्वेक्स मिरर है तो मतलब कि फोकल लेंथ उसी तरफ है, मतलब पॉजिटिव है, तो अच्छा भाई पॉजिटिव है 1/V। अच्छा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, चलो उसको तो देख लेंगे, ये क्या हो गया 1/F और -1/U, बोला भाई ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा 1/V इज इक्वल टू 1/F और -1/-इंफिनिटी, तो ये टर्म तो जीरो हो गई यार, अरे ये टर्म तो जीरो हो गई, 1/∞ कितना होता है, जीरो तो होता है, तो 1/V इज इक्वल टू 1/F, तो मतलब कि इमेज कहां पर बनी, इमेज बनी प्लस फोकस पर, इमेज बनी
प्लस फोकस पर, है ना। तो मतलब कि जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी की तरफ रहा होगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी की तरफ रहा होगा तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। अब क्या हुआ, मैं कहता हूं कि चलो इस ऑब्जेक्ट को चला चला के ऐसे लेके आए, तो इस इमेज का देखते हैं इस इमेज का क्या होगा। सुनो मेरे पास तैयार है सौदा, पहले ध्यान से देखो। आ जाओ सुनो, ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो इसको केस टू भी कह सकते हैं, है ना। इसको क्या कह सकते हैं? केस टू भी कह सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कहीं खड़ा हुआ, ठीक है, बीच में कहीं खड़ा हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार जीरो के ऊपर टेस्ट करता हूं उसको कि भाई जीरो पर कहां बनने वाली है, ठीक है। इफ यू इज इक्वल टू जीरो तब देखते हैं इमेज कहां बनेगी। देखो ध्यान से देखो, तो वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ माइनस वन बाय जीरो, और ये तो इन्फिनिटी हो गया। ये क्या हो गया? ये तो भैया इन्फिनिटी हो गया माइनस का। अब इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, उस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 1 by v is equal to minus infinity, तो v will be equal to 0, अरे v will be equal to 0। तो क्या देखा मैंने, क्या देखा कि जब मेरा ऑब्जेक्ट जब पोल के ऊपर है तो इमेज भी पोल के ऊपर है ना, और जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है माइनस इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहां पर है फोकस पर है। तो क्या मैंने नोटिस किया, मैंने ये नोटिस किया कि जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से चल के जीरो पर आ रहा है, जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से चल के जीरो पर आ रहा है ऐसे, तो जो इमेज है ना वो प्लस फोकस से चल के जीरो पर आ रही है। कहां आ रही है? प्लस फोकस से चल के जीरो पर, मतलब पोल पर आ रही है। अच्छा ऐसे आ रही है, ओए ये आ गई, देख ध्यान से देख, है ना। इमेज कहां आ गई? इमेज भी फोकस से चल के कहां पर आ गई बेटा? पोल पर आ गई। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो यहां तक की चर्चा तो अपनी एकदम क्लियर हो गई। अब उसको टेबल में भर भी देते हैं। कैसे? मैंने बोला कि अगर मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा माइनस इनफाइनाइट पर खड़ा रहे, कहां खड़ा रहे? माइनस इनफाइनाइट पर खड़ा रहे, तो जो इमेज बनती है वो प्लस फोकस पर बनती है। कहां बनती है बेटा? प्लस फोकस पर बनती है। और कैसी बनती है बेटा? पॉइंट इमेज बनती है। अरे कैसी बनती है? पॉइंट इमेज बनती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हां ना, बोल दे। अच्छा उसके बाद दूसरा केस क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और माइनस इन्फिनिटी के बीच में हो, कहां पर हो? पोल और माइनस इन्फिनिटी के बीच में हो, तो देखो इमेज क्या बन रही है? फोकस और पोल के बीच में बन रही है। कहां बन रही है? फोकस और पोल के बीच में बन रही है। अच्छा तो जो इमेज बनेगी हमारी वो कहां बनेगी? फोकस और पोल के बीच में बनेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो मिरर के तो पीछे बन रही है ना, और मिरर के पीछे कोई भी असलियत की रे नहीं होती। मिरर के पीछे तो सारी नकली रे होती है, मिरर के पीछे तो सारी सन्नाटा हो, अरे नकली रे होती है। तो ये इमेज कैसी है? अरे वर्चुअल इमेज है। कैसी है? वर्चुअल इमेज है। अच्छा तो वर्चुअल इमेज है, साथ साथ तुम ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट से छोटी है हाइट में। ऑब्जेक्ट से कैसी है? छोटी है हाइट में, और भाई साहब इरेक्ट है ऊपर ही। देखो जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब कि इमेज जो है वो इरेक्ट है और साथ में छोटी है, डिमिनिश्ड है। कैसी है बेटा? डिमिनिश्ड है। तो बेटा अभी तक हम लोग पोल पर पहुंच गए, मिरर के कहां तक पहुंच गए? पोल पर पहुंच गए, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके और मिरर के पोल तक पहुंच गए हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट का काम तो यहां पर एकदम समाप्त हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके पीछे भी चलाने वाला हूं, पर जब मिरर के पीछे जब मैं इसे मूव कराऊंगा तो भाई मिरर के पीछे कोई भी असलियत का ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। मिरर के पीछे तो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं। अरे मिरर के पीछे कैसी इमेज होती है? अरे वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि वो असलियत की रे से नहीं बनी होती। तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में ज्यादा केसेस बनने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार तुम इसे नोट कर लो, मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ लेना, मैं तो कहता हूँ अच्छे से तैयार व्यार होकर आ रखा हूं मैं, ठीक है। मेरे साथ स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, करो। आ जाओ बेटा देखो सुनो, अपनी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक मैंने क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो माइनस इन्फिनिटी से चल के कहां तक पहुंच चुका है? पोल तक पहुंच चुका है। अभी मुझे और आगे भी चलाना है उसको, है ना। और जब मिरर के पीछे मैं उसे चलाऊंगा तो ध्यान से देखिए कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ज्ञान आपको उसके बारे में दे देता हूं, दोबारा से दे देता हूं, हालांकि पिछले वीडियो में दिया था यार, पर फिर से दे देते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ध्यान से देख, है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब होगा मेरे पास, मैंने बोला देख इस तरह का मेरे पास ये मिरर है, ठीक है, इस तरह का क्या है बेटा, ये मेरे पास एक मिरर है। और कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। अरे कैसा है? कन्वेक्स मिरर है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से बेटा मेरा मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। तो तुम्हें ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे से बनती है इमेज। रिफ्लेक्टेड रे से क्या बनती है? इमेज। जैसे कि कोई मिरर के ऊपर तुमने रे गिराई, रे टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई, अब वो रिफ्लेक्टेड रे जहां काटेंगी वहां क्या बन जाती है?
इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है? इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रे से बनती है इमेज और इंसिडेंट रे से बनता है ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे से क्या बनता है बेटा? ऑब्जेक्ट। ये बात मुझे आधी रात को भी याद होनी चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे से क्या बनती है? इमेज बनती है। और इंसिडेंट रे से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से देख। तो बहुत बढ़िया भाई, मैंने कहा बात समझ आ गई। तो क्या हुआ, क्या हुआ भाई? इसके ऊपर आकर कुछ रे ऐसे यहां पर ऐसे स्ट्राइक करी, ठीक है? कुछ रे ऐसे आकर यहां पर ऐसे स्ट्राइक करी। तो स्ट्राइक करेंगी तो होगा क्या? इनका स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा भाई? ये तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जहां पर भी काटेंगी वहां क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अरे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। पर ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ यार, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यार जहां पर इंसिडेंट रे काटेंगी या काटती हुई लगेंगी भाई, वहीं पर ऑब्जेक्ट होगा। वहीं पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने कहा चलो इन्हें बढ़ा के देख लेते हैं। तो मैंने इन्हें बढ़ाया। मैंने क्या करा बेटा, इन्हें ऐसे बढ़ाया। ओए 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 ओए, ये तो यहां काट गई। काटी नहीं है पर काटती हुई लग रही है। अरे काटी नहीं है पर काटती हुई लग रही है। इसीलिए बोला गया कि बेटा इसे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ओ डैश बोल दिया मैंने इसे। यहां पर असलियत में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस लग रहा है। इसीलिए मैंने इसे बोला है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोला इसे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ऐसा मान लेते हैं चलो ये जो मिरर था ना, इसकी फोकल लेंथ में अभी बोल देता हूं, मान लो चलो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और ये ऑब्जेक्ट मान लो कि पोल से कहीं भी x दूरी पर रखा हुआ है। पोल से कहीं भी x दूरी पर रखा हुआ है। चलो आ जाओ मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखो तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v + 1/u = 1/f, है ना? तो 1/v = 1/f - 1/u। चलो वैल्यूज पुट करो। तो 1/v = 1/f। f कितना है? उधर की तरफ होगा, जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव। देख काम की रे कहां जा रही है? इस तरफ जा रही है। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, बोल दे। तो फोकस भी कैसा? पॉजिटिव है ना। तो ये आ गया 1/10। और माइनस एक्स भी इसी तरफ है तो वो भी पॉजिटिव है। तो ये आ गया -1/x। अच्छा भाई, तो इमेज अपने पास ये ऐसे बनने वाली है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपने पास इमेजेस आएंगी। अच्छा ध्यान से सोच। तो तुझे अभी अभी मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट पोल पर होगा तो इमेज भी कहां बन रही होगी बेटा? पोल पर बन रही होगी। देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं उसको, ध्यान से देख। तो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मेरी बात समझ आ रही ना? इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? देख ध्यान से देख। अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये टर्म क्या हो गई? इन्फिनिटी हो गई। क्या हो गई? इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी बेसिकली है ना। तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 1/v = -infinity बेसिकली। 1/v = -infinity, तो v = 0। अरे v = 0, तो इसका मतलब क्या? अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका पोल पर है तो भाई साहब इमेज भी कहां पर बनेगी? पोल पर बनेगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। ठीक है भाई, हम यहां तक आ चुके हैं। अभी हम क्या कर चुके हैं? अभी हम यहां तक आ चुके हैं। और अब मैं बोलता हूं चलो ऑब्जेक्ट को ना और आगे बढ़ाओ। ए ऐसे बढ़ा रहा हूं मैं आगे। मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा रहा हूं, फिर देखते हैं कि इमेज का क्या होगा। ध्यान से देख। तो क्या मैं फोकस पर पहुंचने वाला हूं क्या? जस्ट हाँ, फोकस पर पहुंचने वाला हूं। बेटा ये जो फोकस होता है ना, तुमको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, ये फोकस क्या होता है ना, इस फोकस को मैं कहता हूं लफड़े वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है ये? लफड़े वाला पॉइंट। अच्छा लफड़े वाला पॉइंट से क्या मतलब है? अभी बताता हूं, पिछली वीडियो में भी बताया था भाई साहब, ये लफड़े वाला पॉइंट होता है। इस लफड़े वाले पॉइंट से मेरा क्या मतलब है कि यहां पर इमेज अचानक से जंप मार जाती है। इमेज अचानक से जंप मार जाती है। जंप कैसे मार जाती है अभी बताता हूं, देख ध्यान सुन। अच्छा सुनो, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चल मैं ऑब्जेक्ट को चलाता चलाता हुई फोकस पर पहुंचने वाला हूं। अरे फोकस पर पहुंचने वाला हूं। देख फोकस कितने दूर है? मैंने बोला माने 10 सेंटीमीटर दूर है। और अभी आप कहां पर हो? मैंने बोला इफ x इज इक्वल टू 9.999999999990, बिल्कुल हल्का सा वो पहुंच गया बस फोकस पर, ऐसा। ठीक है, मुझे एक बात बता, ध्यान सुनो जरा, पूरी फोकस यहीं पे, पूरा फोकस यहीं पे, ध्यान सुन। देख तो x अपना अगर इतना होता तो ध्यान से रहे, तो 1/10 बड़ा या 1/9.9 बड़ा? अभी तो बाकी को छोड़ दे, तू 9.9 ही बोल ले। 1/10 बड़ा कि 1/9.9 बड़ा भाई? 1/9 बड़ा। अरे यार नीचे क्वांटिटी छोटी होती है तो ऑल ओवर क्वांटिटी बड़ी हो जाती है। 1/4 और 1/2 में कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है ना, क्योंकि नीचे छोटा है तो क्वांटिटी बड़ी है ना। तो 1/10 में और 1/9.9 में कौन ज्यादा? 1/9.9 ज्यादा है ना। तो तू ध्यान से देख, तू कम में से ज्यादा घटा रहा है ना, बोल। आप क्या कर रहे हो? कम में से ज्यादा घटा रहे हो। तो अगर आप कम में से ज्यादा घटाओगे तो आंसर पक्का नेगेटिव आएगा। आंसर पक्का नेगेटिव आएगा। इसमें कोई इस परेशानी वाली बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बता, 10 में और 9.9999999 में डिफरेंस बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा है।
अरे कैसा है? बहुत छोटा है। तो इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव और बहुत छोटा आने वाला है। क्या आने वाला है? नेगेटिव और बहुत छोटा आने वाला है। तो ध्यान से देख, तो 1/v बेसिकली 1/v है ना, 1/v है ना ये, तो 1/v अगर नेगेटिव का बहुत छोटा है, अगर 1/v नेगेटिव का बहुत छोटा है तो क्या v नेगेटिव का बहुत बड़ा है? v क्या है? नेगेटिव का बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा मतलब इनफाइनाइट है ना। तो मतलब कि v टेंड्स टू व्हाट? v टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। क्या बोला मैं? क्या बोला कि व्हेन द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रीच टू द फोकस देन द इमेज टेंड्स टू व्हाट? रीच टू माइनस इंफिनिटी। क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे हाँ ना, बोल दे। जैसे जैसे आप कहां पहुंचोगे, आप फोकस की तरफ पहुंचोगे, इमेज कहां चली जाएगी? माइनस इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी, है ना। इमेज कहां चली जाएगी बेटा? माइनस इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो सर इसमें क्या लफड़ा है? सर नॉर्मल बात है ये तो। मैंने कहा देख अब लफड़ा बताता हूं तुझे, ध्यान से देख। तो अभी क्या हुआ ना, अभी क्या हुआ, अभी आप फोकस पर पहुंच चुके हो। अभी क्या हुआ, आप फोकस पर पहुंच चुके हो और मान लो फोकस पर ही अब आप खड़े हो। अब कहां खड़े हो? फोकस पर ही अभी आप खड़े हो और आप फोकस से हल्का सा आगे चल पड़े। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा चल अब आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला? चल अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप फोकस से हल्का सा आगे खिसकोगे, जैसे ही आप फोकस से हल्का सा आगे खिसकोगे, मतलब क्या, मतलब क्या, ध्यान से देख। इफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोला मान ले 10.00000000001, ऐसा बोला मैंने मान ले 10.00000000001 मैंने ऐसा बोला मान ले। बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से। तो 1/2 तो 10.1 मान ले। अभी क्या मान ले? 10.1 मान ले। तो 1/10 बड़ा कि 1/10.1 बड़ा? अरे 1/10 बड़ा। अरे 1/10 बड़ा। इसका मतलब आप बड़े में से छोटा घटा रहे। इसका मतलब आप बड़े में से छोटा घटा रहे और बड़े में से छोटा घटा रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कि 1/v जो भी आएगा, मैं तो कहता हूं मेरी बला से भाई साहब कुछ भी आए वो आंसर पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे एक और बात बता कि 10 में और 10.00000001 में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? और बहुत कम है, इतना सा बहुत कम है ना, बहुत कम। अच्छा जी बहुत कम, बहुत बढ़िया। तो अगर 1/v पॉजिटिव में बहुत कम है तो क्या v पॉजिटिव में बहुत ज्यादा है? और पॉजिटिव बहुत ज्यादा का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव बहुत ज्यादा का मतलब होता है कि पॉजिटिव इनफाइनाइट। क्या मतलब होता है? पॉजिटिव इनफाइनाइट। अरे ये लफड़ा था। क्या लफड़ा था? कि भाई साहब जैसे ही फोकस से जरा सा इधर तो इमेज माइनस इनफाइनाइट में, और जैसे फोकस से जरा सा इधर तो भाई साहब इमेज प्लस इनफाइनाइट में। यार हाना तो बोल यार, मेरी बात समझ आएगी नहीं? जैसे ही फोकस से जरा सा इधर भाई साहब इमेज माइनस इनफाइनाइट में, और जैसे ही फोकस से जरा सा इधर भाई साहब इमेज प्लस इनफाइनाइट में। मेरी बात समझ आएगी नहीं? ये लफड़ा है भाई साहब। ये क्या है लफड़ा? यहां बना रहे इसको, ले यहां बना रहे प्लस इनफाइनाइट, है ना। प्लस इनफाइनाइट तो इस तरफ ही होने वाला है ना। अरे हाँ ना तो बोल, प्लस इनफाइनाइट तो इसी तरफ होने वाला है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो मेरे को बात समझ आ गई। सर आपने नीचे क्यों बनाया, सर ऊपर क्यों नहीं बनाया? सोचना जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अगर समझ आ जाए तो नीचे कमेंट में मेरे को बताना सर इसलिए बनाया था। अरे जब यहां पर पहुंचोगे ना 2f पर, तब आप देखोगे कि इन्वर्टेड इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है। तो इन्वर्टेड बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा बनाया है ना। अगर ऊपर बनाया इधर तो इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। बात समझ आई कि नहीं मेरे, है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो लफड़ा क्या था फोकस के ऊपर? फोकस के ऊपर लफड़ा ये था कि फोकस से जरा सा इधर तो भाई साहब इमेज माइनस इनफाइनाइट में, और फोकस से जरा सा इधर तो भाई साहब इमेज कहां? प्लस इनफाइनाइट में। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसीलिए इसको लफड़े वाला पॉइंट मैंने बोला। बोला भाई ठीक है। तो फोकस तक में आ गया, फोकस तक में आ गया। कैसे आया सुनो जरा ध्यान से देखो। यहाँ टेबल में भी तो भरना है क्या? कि भैया अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से और फोकस के बीच में रहे, कहां रहे? पोल से और फोकस के बीच में रहे, तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? भाई साहब पोल से और माइनस इंफिनिटी के बीच में बनेगी, है ना। कहां बनेगी? पोल और माइनस इंफिनिटी के बीच में बनेगी। तो ध्यान से देख, तो मिरर के आगे बन रही। कैसी बन रही? मिरर के आगे बन रही। तो मिरर के अगर आगे बन रही है तो रियल है। अरे कैसी है? रियल है। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही चला रहा हूं, इमेज भी ऊपर है, तो इसका मतलब कैसी है भाई साहब? इरेक्ट है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और भाई साहब ध्यान से देख तो बहुत बड़ी है, धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है। तो कैसी है? बड़ी है, मैग्नीफाइड है। इसमें कोनों परेशानी वाला बात नहीं है भाई साहब। बात समझ आई कि नहीं आई? सोच रहे अब बस धीरे 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 चला चला के और पूरा कर दूंगा, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर। तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ सर क्या कर रहे हैं, देख लो यार, है ना। बात समझ आएगी नहीं? देख तेरे को रे डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकता हूं मैं। कहीं समझे सर ये मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स कर रहे हैं सर,
फील दिलाओ सर, देख फील दिलाता हूँ तुझे अभी, देख इसको नोट करो, मेरे साथ स्क्रीनशॉट लो बढ़िया ढंग से, मैं तो कहता हूँ यहाँ खड़ा हो जाता हूँ मैं, है ना, अब ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, मजा आएगा देखो तुम्हें, चलो करो। अच्छा सुनो, कोई बच्चा मुझे ये भी कह सकता था कि सर आप तो सर मैथमेटिक्स से कर करके दिखा रहे हो सर, रे डायग्राम से करके दिखाओ तो आपको जाने, है ना, देखो रे डायग्राम से भी तुम चाहो तो ये सारे के सारे रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें एक रिजल्ट लाके भी दिखाता हूँ, देखो फोकस तक हम लोग आ चुके हैं ना, अब फोकस से लेके टूएस के लिए, देखो मैं तुम्हें रे डायग्राम के माध्यम से बनाकर दिखाता हूँ कितना बढ़िया रिजल्ट बनता है, देखो मेरी बात सुना जरा ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लीजिए अपने पास ना यहाँ पर क्या है, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये क्या है अपने पास यहाँ पर, एक कन्वेक्स मिरर है, मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, ये हो गया अपने पास यहाँ पर कन्वेक्स मिरर, इतनी बात अपने को समझ आती है, है ना। मैंने बोला मान ले कि ये हो गया अपना फोकस और यहाँ पर हो गया अपना 2f, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना यहाँ पर हो गया, ठीक है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मिरर के पीछे है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे होंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो यहाँ पर ना कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या खड़ा हुआ है, कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, पर ये क्यों बना होगा, ये क्यों बना होगा भाई, क्यों बना होगा, क्योंकि रे आकर इससे ऐसे टकराई होगी, है ना, टकराई होगी, तो भैया ये यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी, ये यहाँ पर ऐसे मिलती हुई नजर आएंगी, तो भाई साहब यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब बच्चा बोले सर इसकी इमेज बना के दिखाओ सर, तो माने, मैंने कहा देख क्या बड़ी बात है भाई यार, देख ऐसे रे आई ना, ध्यान से देख, ध्यान से देख तो क्या बन जाएगी, देख ध्यान से देख तो ऐसे ही क्या हो गई, ऐसे इसको रिफ्लेक्ट करा दिया हमने, है ना, ऐसे रे आएगी, तो भाई साहब ऐसे इसको अपन ने रिफ्लेक्ट करा दिया, अरे करा दिया कि नहीं करा दिया, बात समझ आई ना, तू ध्यान से देख, तो इनको पीछे बढ़ा देख बेटा, ध्यान से देख, कुपच 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 कुपच, ध्यान से देख, कुपच 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 कुपच, ओए ये तो मिल गई, अरे ये तो मिल गई, तो ध्यान से देख, तो जहां पर बेटा ये मिल जाती है ना, वहीं पर क्या बन जाता है अपने को, इमेज बन जाती, क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, तो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना इसकी अपने को यहाँ पर ऐसे इमेज मिल गई थी, यहाँ पर क्या मिल गई है, इमेज बन गई, जो भी वर्चुअल है ऑब्वियसली, है ना, तो अगर ये ए बी रहा होता तो ये हो जाएगा ए डैश और साथ में बी डैश, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा ध्यान से सोच, तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है अभी आपका, अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है बेटा 2f के और f के बीच में, तो जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, वो बन रही है प्लस इंफिनिटी और 2f के बीच में, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना, और देखो नेचर कैसा है इसका, ऑब्वियसली मिरर के पीछे तो वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट खड़ा है ऊपर, इमेज बन रही है नीचे, अरे ऑब्जेक्ट खड़ा है ऊपर और इमेज बन रही है नीचे, तो इन्वर्टेड तो है ही है, और साथ साथ ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इसका मतलब मैग्निफाइड भी है, ध्यान से देखो, तो वर्चुअल तो है, इन्वर्टेड तो है, और साथ में है मैग्निफाइड, और साथ में है मैग्निफाइड, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ क्या, जैसे जैसे हम लोग फोकस से और 2f की तरफ बढ़ चले, जैसे जैसे हम लोग फोकस से और 2f की तरफ बढ़ चले, भाई साहब इमेज भी जो है ना, जो इमेज भी है ना वो भी प्लस इंफिनिटी से और 2f की तरफ बढ़ चली, कहां बढ़ चली, प्लस इंफिनिटी से और प्लस 2f की तरफ बढ़ चली, और जब आपका ऑब्जेक्ट प्लस 2f पर रहेगा तब आपकी इमेज भी कहां बनेगी, प्लस 2f पर ही बनेगी। सर ऐसा कैसे बनेगी, तो देख मैं तेरे को लेकर दिखा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो यहां पर मेंशन भी कर दूंगा कि भाई ऑब्जेक्ट जब आपका 2f पर रहेगा तो इमेज भी कैसी बनेगी, 2f पर बनेगी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देख मैं प्रूफ कर देता हूं, देख ध्यान से सुन, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये मुझे पता है, देखो 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, ठीक है, ये नहीं है, ये दूसरा केस बता रहा हूं आपको, जब आपका उस पर रखा हो, किस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखा हो, तो 1 by v is equal to 1 by f और minus 1 by u, मैं तो कुछ भी, u कितना है अभी, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, 2f पर रखा हुआ है, ठीक है, तो uf को मान लिया 2f, है ना, तो v कितना आ गया 1 by f और minus 1 by 2f, तो ये कितना आ गया 1 by 2f, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, और जब u और v ही जब सेम आ गए हैं तो हमें पता है मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बेसिकली माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो जितना ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही नीचे इमेज भी बन जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, अरे नॉर्मल सी बात है बिल्कुल एकदम, ठीक है, तो चाहे तो देख आगे का केस भी मैं तुझे लेकर दिखा सकता हूं, देख इसी से करवा सकता हूं मैं, देख सुन, जब अपना ऑब्जेक्ट 2f और प्लस इंफिनिटी के बीच में रखा हो, कहां पर रखा हो, 2f और प्लस इंफिनिटी के बीच में रखा हो, तब देखो इमेज कहां बनने वाली, देख सुन मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी इसे ऐसे आगे बढ़ाने वाला हूं प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं कि जब ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा ना x, जब x क्या हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, बेसिकली u जब प्लस इंफिनिटी हो जाएगा तो मैं देख लेता हूं v कितना आ रहा है ना, देख जरा ध्यान से देख, तो u की जगह पे क्या डाल दो, u की जगह पे आप प्लस इंफिनिटी डाल दो, क्या डाल दो,
प्लस इंफिनिटी डाल दो, ध्यान से देखते हो, यू जैसे ही प्लस इंफिनिटी हो जाएगा तो ये टर्म हो जाएगी जीरो, ये टर्म हो जाएगी जीरो, तो वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ, अरे वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ, तो वी विल बी इक्वल टू वॉट एफ, वी विल बी इक्वल टू वॉट एफ, मतलब के जब आप ऑब्जेक्ट को प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ाएंगे तब जो आपकी इमेज जो है वो फोकस की तरफ बढ़ जाएगी, कहाँ बढ़ जाएगी, फोकस की तरफ बढ़ जाएगी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, तुम्हारे तोते नहीं उड़े होंगे, और अगर तोते उड़ गए हैं तो भाई साहब एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, अगर कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में तो आप लिख ही सकते हैं, उसको तो मैं ले ही लूंगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप यार तुमको एकदम क्लियर हो गया ये, क्योंकि अभी चर्चा बहुत बाकी है यार, सोच लो सन्नाटा। अब यहां से देख इसके ऊपर ना, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम दिखा के भाई साहब बतेरे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब मैं तो कहता हूँ इतने सवाल पूछे जाते हैं, तुम्हें क्या बताऊं मैं, क्या सवाल बोलेगा, ऐसे सवाल बोलेगा कि अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, ध्यान सुनना, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, बोलो सच है कि गलत है, ट्रू या फॉल्स बोलो, अ वर्चुअल अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, बोलो सच है कि गलत है, अरे सही है ना, जब रियल ऑब्जेक्ट था तो हमारी इमेज कहां बन रही थी, या बन रही थी, अरे बन रही थी कि नहीं बन रही थी, और ये तो वर्चुअल थी, अरे तो वर्चुअल थी, तो ये बात तो सही हो गई कि अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फ्रॉम द वर्चुअल इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एकदम सही बात है। अच्छा और क्वेश्चन सुनो कि अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फ्रॉम द इरेक्ट इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है ना, देखो इरेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर रखा है, इमेज भी ऊपर ही है, तो इरेक्ट ही है। अच्छा एक और बात सुनो, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फ्रॉम द डिमिनिश्ड इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, हाँ ये भी सही है, हमेशा देख डिमिनिश्ड तो बनती है, छोटी तो बनती है, तो ये तीनों बातें तो एकदम सही हो गई। अब मेरी बात सुन, मैं क्या बोला, मैं बोला कि अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द मैग्निफाइड इमेज फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बोलो बोलो बोलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो हमेशा मैग्निफाइड बनेगी, जरूरी है, अरे नहीं कोई जरूरी नहीं बाबा, क्या तू ध्यान से रहे, अभी देखिए डिमिनिश बन रही है कि नहीं बन रही, कब बन रही है, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f और इनफाइनाइट के बीच में हो तो डिमिनिश्ड इमेज भी बनती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल दे यार। अच्छा और सुन, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये बात भी गलत है, तू ध्यान से देख रियल इमेज भी तो बनती है, कब बनती है ये, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर मौजूद होता है, पोल और एफ के बीच में होता है, तब ऐसा बनता है कि नहीं बनता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, अरे हाँ ना बोल दे, तो इस तरह के बहुत तो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम ये सवाल कर पाओगे, पर ये सवाल तुम तभी कर पाओगे जब ये डायग्राम तुम्हें याद रह जाए, नहीं तो ये सवाल होने वाला नहीं है ना। अब अपन चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूवी डायग्राम्स, यूवी कर्व पढ़ेंगे, और वन बाय यू और वन बाय वी कर्व पढ़ेंगे, ताकि अपनी चर्चा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए यार मन के अंदर, है ना। चलो एक बार इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ बेटा, अब चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले इस टेबल को भर देता हूं यार, मैं पिछले शॉट में भूल गया था इसको भरना, है ना। अच्छा देखो, तो जब ऑब्जेक्ट अपना 2f पर रखा हुआ है तो इमेज भी कहां बनी थी, 2f पर बनी थी, सेम साइज की बनी थी, उल्टी बनी थी और वर्चुअल बनी थी, है ना। देख मैं लिख देता हूं यहां पर क्या, कि वर्चुअल बनी है, इन्वर्टेड बनी है और सेम साइज की बनी, कैसी बनी है, सेम साइज की बनी। फिर क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट को चलाकर और आगे ले गया था तो इमेज जो है वो 2f से सरक कर कहां आ गई थी, f पे ऊपर आ गई थी, है ना। ध्यान से देख, तो अभी इमेज कैसी बनने वाली है, अभी इमेज जो बनने वाली है वो फोकस के और कहां कहां पर, अच्छा 2f के और f के अंदर में बनने वाली है ना, 2f के और f के अंदर में बनने वाली है, और वर्चुअल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी, इसके अलावा डिमिनिश्ड रहेगी, कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी, ठीक है। सो यहां पर अपनी टेबल अब पूरी हो जाती है, ठीक है। अभी अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ बिटवीन, ध्यान से देखें, ग्राफ बिटवीन वन बाय वी एंड वन बाय यू, बिल्कुल आसान ग्राफ है, बिल्कुल आसान, ध्यान से देख। तो मैं जानता हूं, देखो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, कि वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एस, यही कहता है, कुछ और कहता है, ध्यान से देख। तो वन बाय वी को बेटा मैं कुछ भी वाई मान लेता हूँ, ठीक है, वन बाय यू को मैं कुछ भी एक्स मान लेता हूँ, और इसे कुछ भी सी मान लेता हूं, तो कुछ कॉन्स्टेंट ही है ना। तो इक्वेशन देखो इस फॉर्मेट की है, क्या वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, है ना, इसी फॉर्मेट की इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। अब तू ध्यान से देख, तो इफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इफ वाई इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू सी, देन एक्स इज इक्वल टू सी, एंड इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वाई इज इक्वल टू सी। देखो पॉइंट्स भी मिल गए, लो आ जाओ मार्क कर दो, ग्राफ बना लो सन्नाटा। तो ये आ गया वन बाय वी और ये है वन बाय यू, और देखो ग्राफ अपना कुछ ऐसा बनने वाला है ना, ये कितना हो जाएगा सी है ये भी, और ये भी कितना है सी। तो ध्यान से देख, तो ये ग्राफ ना पहले दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ नहीं,
सर इसका क्या मतलब निकलता है? देख मतलब बता दूं, सुनो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखें तो यहां पर यू पॉजिटिव है और वी भी पॉजिटिव है ना। यू कैसा है बेटा? पॉजिटिव। तो अगर यू पॉजिटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? बोलो बोलो, यू पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? भाई साहब वर्चुअल है। अरे कैसा है? वर्चुअल है। और अगर वी भी आपका पॉजिटिव है, वी भी कैसा है बेटा आपका? पॉजिटिव है, तो मतलब इमेज भी कैसी है? वो भी वर्चुअल है। अरे इमेज कैसी है? वो भी वर्चुअल है भाई साहब। अब ध्यान से इस वाले क्वाड्रेंट में देखो, इस वाले क्वाड्रेंट में देखो तो यू कैसा है? यू है नेगेटिव। यू है नेगेटिव तो मतलब कि ऑब्जेक्ट है रियल, ऑब्जेक्ट है रियल। और वी कैसा है? वी है पॉजिटिव। अरे वी है पॉजिटिव मतलब कि इमेज कैसी है? इमेज है वर्चुअल, इमेज है वर्चुअल। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ग्राफ ही नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, फिर से आ जाओ, देखो सुनो। तो यू है पॉजिटिव, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट है रियल, ऑब्जेक्ट है रियल। और भाई साहब वी कैसा है? वी कैसा है? वी है नेगेटिव। और वी है नेगेटिव का क्या मतलब है? बोलो ध्यान सुनो, अगर यू पॉजिटिव है तो मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। और वी है नेगेटिव, वी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? कि भाई साहब जो इमेज है, इमेज कैसी है? इमेज है रियल, इमेज है रियल। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज वर्चुअल भी बन सकती है और इमेज रियल भी बन सकती है। ध्यान से रे, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है। परंतु अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर रियल रहा, परंतु अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल रहा तो इमेज सिर्फ वर्चुअल बनेगी। ध्यान से देख, इमेज सिर्फ वर्चुअल बनेगी, किसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। ये बताता है ये ग्राफ। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत आसान ग्राफ है। अगला जो मुश्किल वाला ग्राफ है ना, वो ग्राफ होता है यू और वी के बीच में, थोड़ा सा टफ होता है, बाकी ज्यादा टफ नहीं होता, अपन लोग कर देंगे उसको, उसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं यार, तो टेंशन नहीं बदले। ठीक है, चलो बस इसका मस्त स्क्रीन शॉट ले, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, करो, आ जाओ बेटा। अब बात कर लेते हैं ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, थोड़ा सा टफ है पर मजा आएगा करने में, है ना। आ जाओ देखो सुनो, तो बात करते हैं अपन लोग ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, मतलब ठीक है थोड़ा सा टफ है पर अपन लोग कर लेंगे, है ना। अच्छा यहां तक आयो तो भाई साहब वीडियो में समझते तुम्हें सारा का सारा आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई साहब अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी बहुत बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, आ जाओ सुनो जरा ध्यान से देखो। तो क्या पढ़ने वाले हैं अब लोग? पढ़ने वाले हैं ग्राफ बिटवीन यू एंड वी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा क्या होता है? ये होता है ना, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। मैंने कहा हाँ ठीक है। अच्छा ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो इस वी को मैं बोल देता हूँ कुछ तो एक्स। क्या बोल देता हूँ? या वाई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वाई बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं कुछ एक्स। क्या बोल देते हैं? कुछ एक्स। और इसको बोल देते हैं भाई साहब, तो कुछ सी हो जाएगा, कुछ कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो अपने पास जो इक्वेशन है ना, वो ध्यान से देख इस फॉर्मेट की है। किस फॉर्मेट की है? देख, वन बाय वी है ना, तो मतलब के वन बाय वाई प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू सी, है ना। क्या इक्वेशन है बताओ? ये कौन सा कर्व है? हाइपरबोला। कौन सा कर्व है? हाइपरबोला। तो मतलब के वेरिएशन कैसा है? हाइपरबोलिक वेरिएशन है। कैसा है? हाइपरबोलिक। ओके, हाइपरबोलिक वेरिएशन। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई, तो हाइपरबोलिक वेरिएशन है। मैंने कहा बात समझ आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो आ जाओ, अपलोड करते हैं ग्राफ को, है ना। सुन, बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना मत, ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखते रहना, हो जाएगा, है ना। देख सुन, आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अच्छा बात समझ आ गई। अच्छा उसमें क्या है? यहाँ पर तो यू है ना, और वाई में क्या है? वाई में है वी। वाई में क्या है? वी। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। तो जब आपका ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर खड़ा हुआ है तो जो इमेज है ना वो बन रही है प्लस फोकस पर। इमेज बन रही है प्लस फोकस पर, मतलब कि वाई में प्लस एफ है ना, तो वाई में प्लस एफ वाला लेवल देखो कहीं यहां आएगा, है ना। इसको मैं पहले मार्क करके रख लेता हूं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो जब आप एक्स में माइनस इंफिनिटी पर है, जब आप एक्स में माइनस इंफिनिटी पर है, तब आपकी जो इमेज है वो प्लस फोकस पर है ना, तो प्लस फोकस पर। ये पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया माइनस का इंफिनिटी और प्लस एफ। भाई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा ठीक भाई। अब ध्यान से देख, तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ आ रहे हो, इमेज भी आपकी पोल की तरफ आ रही है, और फाइनली यू आर एट जीरो जीरो। फाइनली यू आर एट जीरो जीरो, तो मतलब कि आप यहां हैं, मतलब कि आप यहां हैं, तो मतलब कि आप यहां से चलते चलते, मतलब कि आप यहां से चलते चलते और यहां तक आ गए, है ना, यहां तक आ गए। अब सुनो, अब आगे चल दिए, अब आगे चल दिए, तो भैया अब अपन पहुंच गए लफड़े वाले पॉइंट पर, और लफड़े वाले पॉइंट पर दो जगह है कि अगर आपका जो x है ना, अब ध्यान से देख, x क्या है आपका? वो तो प्लस f है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो जरा सा इधर हो जाए तो इमेज जो है वो माइनस इंफिनिटी पर है, और जरा सा उधर हो जाए तो जो इमेज है वो कहां पर है?
प्लस इंफिनिटी पर है। अच्छा ध्यान से देख, तो पहले तो x में प्लस f का लेवल मार्क करो, तो x में प्लस f यहां कहीं बैठेगा है ना, तो इसको बढ़ा के भाई साहब ऐसे मार्क कर दिया हमने है ना, ऐसे ऐसे मार्क कर दिया, ओए 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 ओए, ये रहा देख, ये प्लस f का लेवल है ठीक है, ये कैसा है प्लस f का, तो क्या हुआ प्लस f और माइनस इंफिनिटी ठीक है, इस ग्राफ को देखो कंटिन्यू करो, प्लस f और माइनस इंफिनिटी, ओए ये हो गया प्लस f और माइनस इंफिनिटी, और उसी जगह पर प्लस f और प्लस इंफिनिटी, मतलब ये रहा भाई साहब यहां पर आपको अजीमटोट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे अजीमटोट्स मिलेंगे। फिर क्या हुआ, फिर आप लफड़े वाले पॉइंट से और आगे बढ़े, तब आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया प्लस इंफिनिटी पर, और इमेज कहां गई थी, वापस से फोकस पर आ गई, कहां गई थी फोकस पर आ गई थी, तो प्लस इंफिनिटी और प्लस एफ है ना, तो प्लस इंफिनिटी और प्लस एफ मतलब कहीं यहां, मतलब क्या जो आपका ग्राफ है ना वो आने वाला है ऐसा। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार है ना, इतना कोई मुश्किल ग्राफ नहीं है, अगर थोड़ा सा मन लगा के सीखा जाए तो आराम से सीख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो आज की चर्चा के लिए बेटा इतना ही, और जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर को जब मूव कराते हैं ना तो वेलोसिटीज कैसी होती है, वेलोसिटीज इन स्फेरिकल मिरर्स है ना, अगली चर्चा अपनी ये होने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय, शबा कैश, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।